स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ऐसे कैसे तुमने किसी को भी उसे ले जाने दिया, बताओ मुझे। प्रिंसिपल साहिबा, आपने उनका नाम पूछा? नहीं, जिस तरह से उन्होंने बच्ची को गोद में लिया था मुझे लगा। तो आपको लगा कि उसकी बेटी? आप आखिर इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? आपको पता होना चाहिए इस छत के नीचे जितने बच्चे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी। पर उसने बड़ी आसानी से आपकी बेटी के फ्रॉक का कलर, उम्र और ये भी बताया कि उसने गले में गोल्ड की चेन डाल रखी है। चेन? कौन सी चेन? मैंने तो उसे कोई भी चेन नहीं पहनाया था। वही भगवान श्री कृष्ण का जड़ाऊ पेंडल आपकी बच्ची ने वही गले में पहन रखा था। और ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे कोई चेन नहीं पहनाया है, बल्कि उसकी चेन में जो पेंडल था वो भी लाखों की कीमत का होगा। मिसेस त्रिवेदी, सावित्री। यस मैम। ये बच्ची आपकी क्लास में है? नो मैम, मैंने आज से पहले इस लड़की को यहाँ पे नहीं देखा। ये बच्ची किसके साथ आई है? इसके साथ तो कोई नहीं था, ये तो वैन में बैठी थी। मैंने सोचा शायद नया दाखिला होगा। अरे मैम जी, इसके हाथ में ना ये सोने की चेन थी, मैं तो बहुत घबरा गई, फिर मैंने इसको गले में पहना दी। हे भगवान, ये बच्ची जो हमारे स्कूल की नहीं है और पिछले एक डेढ़ घंटे से स्कूल में है, तो आप लोगों का किसी का ध्यान नहीं गया इस पर? कितने गैर जिम्मेदार हैं आप लोग। बेचारी के पेरेंट्स इसे ढूंढ रहे होंगे, हमें अभी पुलिस को खबर करनी चाहिए। एक मिनट, ओहो ये फोन तो डेड है। सावित्री जाओ लाइब्रेरी से मेरा फोन उठा कर लाओ, मैं वहीं पर भूल गई हूँ। और ये बच्ची मेरे पास ही रहेगी, आप जाइए। अब क्या करें? बस अब एक ही रास्ता है, तू बाइक के पास इंतजार कर, मैं अंदर जाके आता हूं। ठीक है बेटा, घबराओ मत आप, हम आपको आपकी मम्मी पापा के पास पहुंचा देंगे। वैसे आपकी मम्मा का नाम क्या है? और पापा का नाम? बेटा आप कहाँ रहती हो? हाँ ये टीका है। ठीक है, मैं फोन करती हूँ, आप बच्ची के पास भेजिए। मैडम, इस बच्ची के पापा आए। ठीक है, भेजो उन्हें अंदर। सावित्री बच्ची को लेके अंदर जाओ। प्लीज प्लीज मुझे बताइए मेरी बेटी कहाँ पर है। प्लीज प्लीज मैडम। आपकी बेटी? मैडम वो बगीचे के पास मुझे किसी ने बताया कि मेरी बेटी गलती से आपकी स्कूल की वैन में बैठ गई है और वो यहाँ पर आ गई। प्लीज प्लीज मैडम, मुझे उससे मिला दीजिए मैडम प्लीज। आपने उसे कहाँ छोड़ा था? मैंने उसे नाना नानी पार्क के पास, जहाँ से आपकी वैन बच्चों को पिकअप करती है, वहाँ पर। मैडम आपकी बेटी कितने साल की है? मेरी बच्ची 1 साल की है मैडम, और उसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ है। और कोई निशानी? और उसके गले में मेरी सोने की चैन है और उसमें एक भगवान कृष्ण का लॉकेट भी है। आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? माफ करिए मैडम, वो फोन आ गया था और उसके बीच में ये सब कुछ हो गया। ये तो अच्छा हो गया कि वो हमारे स्कूल में आ गई, अगर कहीं और चली जाती तो। पता नहीं मेरी मीरा कैसी होगी। कान्हा जी मेरी मीरा की रक्षा करना। बस हम 5 मिनट में प्ले स्कूल में पहुंच जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए मैडम जी, मैं अपने लापरवाही पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेहरबानी से मुझे मेरी बच्ची से मिला दीजिए मैडम प्लीज। ठीक है, एक मिनट। सावित्री बच्ची को लेकर आओ। और आपकी बेटी का नाम क्या है? जूही, जूही नाम है उसका। अरे बेटी, अरे जूही कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका, आपने मेरी बेटी को बुला लिया। पुलिस आ गई, जल्दी भागना होगा यहाँ से। मेरी बेटी का कौन? आप किसी बच्चे के मदर फादर हैं? जी हाँ। जय श्री कृष्णा प्रिंसिपल मैम। जय श्री कृष्णा। गलती से आज सुबह इनकी बच्ची आपकी स्कूल वैन में चढ़ाई गई थी जिसमें मेरे बच्चे आते हैं। आपकी बेटी? जी हाँ। अब ये देखिए, ये है मेरी पोती मीरा जिससे पिंक रंग की फ्रॉक पहनी हुई है। इसे देखा है आपने? Oh my God! क्या हुआ मैम? अभी अभी एक आदमी इसे अपनी बच्ची बताकर बाहर ले गया है। उसने बच्ची की फ्रॉक का कलर, उम्र सबको सही सही बताया तो हमने बच्ची उसको दे दी। कब? किसे? एक मिनट मैं अभी बताती हूँ। वॉचमैन! अरे वो आदमी कहाँ गया है? जो अभी अभी बच्ची को लेकर गया है? वो तो गए मैडम। मैम कहिए। आज सुबह हमें जानवर के वेश में स्कूल के बच्चों का मनोरंजन करना था, पर दो बदमाश आए, हमें वर्गलाया, हम पे हमला किया और हमें खूब मारा पीटा और आखिरी में हमारे बंदर और टाइगर वाला जो वेशभूषा था वो छीन के ले गए मैम। मतलब वो जो दो आदमी आए थे मंकी और टाइगर बनके, वो फ्रॉड थे? लगता है वो दोनों लोग आपकी डॉटर के लिए ही आए थे यहाँ पर। मुझे लगता है आपकी बेटी किडनैप कर ली गई है। आपने उसे ले जाते हुए कब देखा था? मैंने उसे तब देखा जब वो बाहर जा रहा था। एक दूसरा आदमी भी था जो बाइक पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। लेकिन वो बेबी को लेकर बाइक पर चढ़ा और देखते ही देखते दोनों गायब हो गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भला क्यों मेरी मीरा को नुकसान पहुंचाना चाहेगा? उसने क्या बिगाड़ा है किसी का? ऐसे कैसे तुमने किसी को भी उसे ले जाने दिया? बताओ मुझे। प्रिंसिपल साहिबा, आपने उनका नाम पूछा? नहीं, जिस तरह से उन्होंने बच्ची को गोद में लिया था मुझे लगा। तो आपको लगा ये उसकी बेटी? आप आखिर इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हैं? आपको पता होना चाहिए इस छत के नीचे जितने बच्चे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी। पर उसने बड़ी आसानी से आपकी बेटी के फ्रॉक का कलर, उम्र और ये भी बताया कि उसने गले में गोल्ड की चेन डाल रखी है। चेन? कौन सी चेन? मैंने तो उसे कोई भी चेन नहीं पहनाया था। वही भगवान श्री कृष्ण का जड़ाऊ पेंडल आपकी बच्ची ने वही गले में पहन रखा था। और ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे कोई चेन नहीं पहनाया है। बल्कि उसकी चेन में जो पेंडल था वो भी लाखों की कीमत का होगा। अच्छा, इसीलिए वो लोग बच्ची को उठा ले गए। चलिए, इससे पहले कि वो लोग कहीं दूर निकल जाए हमें उन्हें ढूंढना होगा। गार्ड, बच्ची को लेकर किस तरफ गए वो लोग? साहब उस तरफ। चलिए। मिसेज मोदी, प्लीज जरा आपका मोबाइल नंबर देके जाइएगा। जैसे उनका कुछ पता लगता है तो मैं आपको फोन कर दूँ। हाँ लिख लीजिए नंबर। क्या हुआ? लगता है टायर पंचर हो गया। टायर तो ठीक है। क्या हुआ गाड़ी को यार? देखता हूँ कार्बोरेटर में कचरा तो नहीं हो गया। जल्दी कर यार। अरे यार इसका कार्बोरेटर तो खुल नहीं रहा। अरे आप गाड़ी तो चलने से। छोकरी कहाँ गई? हाँ यार सामने मार्केट है, चल वहीं देखते हैं। चल। क्या मीरा को कोई उठा ले गया? मतलब हाँ ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ राशि, हम उसे ही ढूंढने जा रहे हैं। तुम माँ और बाप को ही बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है। क्या हुआ राशि? वो मीरा को कोई किडनैप कर ले गया। मैं मम्मी को बता देती हूँ। इस बार मैं एकदम सावधान रहूंगी। पहले चेक कर लूंगी कि यह छोकरी मीरा अच्छे के नहीं तो फिर भागम दौड़ी करनी पड़ेगी। हे भगवान, कहाँ ढूंढू मीरा को? राशि दिख रहा? हेलो मम्मी, राशि दिख रहा? मीरा मिली? नहीं मम्मी, जिगर जी का अभी भी फोन आया था। वो कह रहे थे कि मीरा को कोई उठा ले गया है, वो किडनैप हो गई है। मेरी मीरा की रक्षा कीजिए ठाकुर जी, मेरे मीरा की रक्षा कीजिए। माँ जी, माँ जी ये क्या हो गया? मेरी मीरा ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे उठा कर ले गए? उन्हें अगर सोने की चेन चाहिए थी तो चेन ले जाते, मेरी मीरा को उठाकर क्यों ले गए? मेरी मीरा, मेरे बच्चे। देखो गोपी, वो हिम्मत से काम लो। पुलिस हमारी सहायता कर रही है ना, वो जरूर मीरा को ढूंढ लेंगे। और तुम ये क्यों सोच रही हो कि हमारी मीरा अकेली है? उसके साथ कृष्ण भगवान है। सब मेरी गलती है, मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। सब मेरी गलती है। नहीं गोपी बहू, ऐसी बात नहीं है। माँ जी, माँ जी बताइए ना, मुझे मेरी मीरा मिल जाएगी। उसे कुछ नहीं हुआ है ना माँ जी? हाँ गोपी, मीरा को कुछ नहीं होगा। मैं उसे ढूंढ कर लेकर आऊँ, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। अरे यार ये बच्ची कहाँ उड़ा हो गई? आओ आओ आओ, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री है। ले लो, आ जाओ सस्ते में फटाफट। 50 रुपए की चीज है। 50? नहीं भाभी जी नहीं पड़ेगा, 100 रुपए की ही है। बोरे कहाँ चली गई है? इसे पकड़ने का आप एक ही उपाय है। चल क्लोरोफॉर्म निकाल। राशि ने कहा था कि मीरा स्कूल से किडनैप हुई है। स्कूल तो इसी रास्ते पर पड़ता है, शायद यही कहीं मिल जाए। हे भगवान, चल चल के थक गई। अरे मीरा कहाँ चली गई तू? ये क्या है? इतनी सुंदर क्लिप। मैं ही अपने बालों में लगा लेती हूँ। मीरा, अरे दिकरी मीरा क्या छे तू? नहीं नहीं बहन, शर्म नहीं आती आदमी छेड़ने में? अरे नहीं बाबा, अरे गलत सर, अरे बात नहीं करनी। ये बताओ कि जब मम्मा डर गई थी तो मम्मा ने क्या किया होगा? मेरी मीरा की रक्षा कीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कहना जी उसे कुछ नहीं होना चाहिए। क्या हुआ अंबिका? मामी जी। अरे उर्मिला बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुँह पर मीरा ने ढूंढो छू। आप घर वापस लौट जाएं। हम सब है ना, हम मीरा को ढूंढ कर लेकर आते हैं। केम मीरा मेरी दोहतरी नहीं है? ये क्लिप तो मैंने आज सुबह मीरा को लगाया। मामी जी, आपको ये क्लिप कहाँ से मिली? ये तो मीरा को मैं उस स्कूल की तरफ ढूंढ रही थी जहाँ राशि ने बताया था, बस उसी रास्ते पर मिली। पर ये क्लिप तो मीरा की है। शू? मीरा की क्लिप? हाँ मामी जी, ये मीरा की ही क्लिप है। आज सुबह ही मैंने उसे पहनाई थी। गोपी, तुम अच्छे से याद है? हाँ एम जी, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये मीरा की ही क्लिप है। ये उन उपहारों में से है जो जिग्ना मासी ने उन्हें भेजा था। मामी जी, आप सही से बताइए, ये क्लिप आपको कहाँ मिली? जवाई जी, उसी स्कूल के रास्ते पर मिली थी। चलिए हम वहाँ चलते हैं, चलिए चलिए। कान्हा जी, आपने हमें एक दिशा तो दे दी है, बस अब तब तक मेरी मीरा की रक्षा करिए जब तक हम उसके पास पहुंच ना जाए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।